को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने स्कूल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं। 1 सितंबर से ये आदेश लागू होंगे। तो बड़ी खबर, 50% क्षमता के साथ अब स्कूलों को खोला जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की इजाजत फिलहाल दे दी गई है। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से मंथन इस पर किया जा रहा था कि आखिरकार प्रदेश में कब स्कूल खोले जाएंगे। अब बड़ा फैसला लेते हुए ये फैसला लिया गया है कि 1 सितंबर से प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को ही इजाजत स्कूल में आने की होगी और 50% क्षमता रखी गई है कि 50% क्षमता में ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। तो राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खोलेंगे। राज्य सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर यह गाइडलाइन जारी की है और 1 सितंबर से यह आदेश फिलहाल लागू होंगे। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कई अभिभावकों की तरफ से कि स्कूलों को खोला जाए। बच्चों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव इसका पड़ रहा है और इसे देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। हालांकि पहले फैसला ये लिया गया था कि प्रदेश में सभी कक्षाओं को खोला जाएगा, सभी कक्षाओं के स्कूलों के लिए खोला जाएगा, लेकिन अपने फैसले पर यूटर्न लेते हुए सरकार ने फैसला वापस लिया था। अब एक नया फैसला यहाँ पर जारी किया है और 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अब खोला जाएगा 1 सितंबर से और साथ ही साथ जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनमें ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। ये भी फिलहाल जो गाइडलाइन है उसमें शामिल किया गया है। तो 50% क्षमता रखी गई है, 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई में भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जाएंगे। तो एक बड़ी राहत यहां पर तमाम स्कूल संचालकों को भी दी है क्योंकि लगातार स्कूल संचालकों की तरफ से प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे, स्कूलों को खोलने की मांग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल में नुकसान काफी हुआ है स्कूल संचालकों को और इसलिए राहत दी जाए, प्रदेश में स्कूलों को खोला जाए। और आज ये बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत फिलहाल सरकार की तरफ से दे दी गई है। तो अभी फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की ही सिर्फ इजाजत दी गई है। स्थितियों को देखा जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कक्षाओं को खोलने के बारे में सरकार सोचेगी। लेकिन तब तक जो पहली से 8वीं तक की क्लासेस है उनकी ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी, इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो स्कूल खोलने पर यह बड़ा फैसला फिलहाल सरकार की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 1 सितंबर से अब प्रदेश में स्कूल खुलेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ गाइडलाइन यहां पर निकाली गई है कि 50% क्षमता के साथ ही स्कूलों को खोला जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, देखिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार प्रदेश में कब स्कूल खोले जाएंगे, काफी लंबा मंथन भी इसके लिए किया गया और अब ये फैसला लिया गया है कि 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। क्या कुछ और जो गाइडलाइन है उसमें शामिल किया गया है, कैसे स्कूलों को खोला जाएगा, कैसे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तमाम स्कूल खोले जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आखिरकार प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही जो जानकारी है दे दी थी कि कक्षा 9 से लेकर, पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की स्कूलों को खोला जाएगा। जब जुलाई के अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि प्रदेश में स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन फानन में 2 अगस्त में सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तक्षेप करते हुए ये कहा कि ये सैद्धांतिक फैसला है, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आज अगर बात करें जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत 1 सितंबर से प्रदेश में कक्षा 9 से लेके और 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। इन स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। तो वहीं जो चाहे कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान हो, यूनिवर्सिटी हो, इन सबको भी 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 2 दिन पहले हुई मीटिंग में भी ये साफ हो गया था कि अब स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाएगा, क्योंकि पिछले 4 महीनों से अगर देखें कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के स्कूल बंद थे। तो ऐसे में अब स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों,
कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को। इसके साथ ही एक अनिवार्य बात यह भी की है कि जो भी स्टाफ कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान और स्कूलों में आएगा उनके लिए, चाहे वो स्टाफ हो, कैब चालक हो, ड्राइवर हो, ऑटो हो या इसके अलावा वहां का कोई अन्य कर्मचारी हो, उसको वैक्सीन की कम से कम एक डोज 14 दिन पहले लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज 12 तारीख हो गई है और 4 दिन के अंदर अंदर उनको पहली डोज लेनी होगी। दूसरी डोज के लिए भी जिसने पहली डोज ले चुकी है उसकी दूसरी डोज को लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि वह भी यदि उनके दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि तय अवधि जो पूरी हो चुकी है उसके अंदर अंदर वह दूसरी डोज लगाएं। इसके साथ ही जो गाइडलाइन है उसमें ये विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूल में बच्चों को एक दूसरे से ज्यादा घुलने मिलने ना दिया जाए, यानी 50 फीसदी की क्षमता के साथ यदि स्कूल खोले जाए, किसी कमरे की 20 की क्षमता है तो वहां 10 ही विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बिठाया जाए। इसके साथ प्रत्येक स्कूल में सैनिटाइजर, प्रॉपर मास्क लगाने और इसके साथ ही जितना भी स्टाफ होगा उनके भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। गेट पर टेम्परेचर नापने वाला एक कर्मी लगाया जाएगा, वहीं पे बच्चों को जो हाथ है वह सैनिटाइज करवाए जाएंगे। परिसर में भी जगह जगह सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ ही हाथ धोने के लिए प्रॉपर साबुन की भी व्यवस्था रखनी होगी। अगर बात करें स्टाफ की तो स्टाफ को लेकर भी रूटीन जो स्वास्थ्य चेकअप है वो करवाना पड़ेगा। किसी बच्चे का यदि स्वास्थ्य खराब है तो उसको स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा, कोरोना गाइडलाइन के तहत उस बच्चे की हाजिरी मान्य होगी। दूसरी ओर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को अभी ऑनलाइन चलाया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही जानकारी दी थी कि एक बार फिर से प्रदेश में 3 चरणों में स्कूल को खोला जाएगा। पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक को खोलने का फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरे चरण में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक को, तीसरे चरण में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक को। जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहां पर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए, ऐसे में राज्य सरकार ने आधे स्टाफ और आधे बच्चों के साथ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। शिक्षा विभाग की ओर से एक और विस्तृत गाइडलाइन जारी होनी है। बीकानेर निदेशालय की ओर से संभावना जताई जा रही है कि आने वाले। चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ललित ने यहाँ पर जानकारी दी कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों को खोला जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई और इसके अलावा एक और गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जाएगी जिसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि कैसे आखिरकार जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उन्हें खोला जाए। तो बड़ा फैसला आज लिया गया है, 1 सितंबर से प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही साथ जो और बाकी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें भी 1 सितंबर से खोला जाएगा। तो स्कूल खोलने पर यह बड़ा फैसला आज राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार प्रदेश में कब स्कूल खोलेंगे, क्योंकि साफ तौर पर अभिभावकों का कहना था कि मानसिक तौर पर बच्चे परेशान हो रहे हैं। इधर जयपुर के आमेर स्थित